गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ सुरेश ललिता फ्रॉम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल औरा शाहजनी। आज हमें सेवेंथ स्टैंडर्ड का सेकंड लेसन सीखना है। तो सेकंड लेसन जो है वो सेकंड लेसन कौन सा है, देखो, लॉन्गेस्ट स्लीपिंग एनिमल्स। वो एनिमल्स क्या होता है देखना है। वो जो सबसे लंबे समय तक सोते हुए जो पशु है उसके बारे में देखना है। सबसे लंबे समय तक सोते हुए पशु, लॉन्गेस्ट स्लीपिंग एनिमल। वह जो एनिमल है, वह एनिमल देखो, स्लीप इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थी लाइफ। वह देखो, स्वस्थ जीवन के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। पीपल हुज नॉर्मल नाइट स्लीप इज अर्थ वेरी शॉर्ट लेस देन 4 आवर्स और वेरी लॉन्ग मोर देन 10 आवर्स हैव अ हियर रिस्क ऑफ डेइंग प्रीमैच्योरली। जिन लोगों की रात की सामान्य नींद या तो 4 घंटे से बहुत कम होती है या 10 घंटे से ज़्यादा लंबी होती है, इनमें समय से पहले मरने का खतरा ज़्यादा होता है। उनको जो लंबे समय कम समय में सोते हैं या ज़्यादा समय में सोते हैं उनको, और बट दैट डोंट अप्लाई फॉर एनिमल्स बिलो आर द एनिमल्स दैट रिक्वायर लॉन्गेस्ट स्लीपिंग आवर्स पर डे, नेम देम। वह जो एनिमल्स है, लेकिन यह जानवरों के लिए लागू नहीं होता। बट नीचे वे जानवर है जिनके लिए प्रतिदिन सबसे लंबे समय तक सोने के घंटे की आवश्यकता होती है ना। वो जो सोने की घंटे की आवश्यकता होती है, वो कितने टाइम वो सो सकते हैं, औसत नींद का समय जो उनका है, जो है वो क्या है, कितना है। हर एक एनिमल का जो सोने का जो टाइम रहता है वो अलग अलग रहता है ना। तो फिर वो जो एनिमल्स है उसका टाइम कौन सा है, देखो, वो कौन से एनिमल्स है और वो जो एनिमल्स है वो उसका टाइम क्या है सोने का, चलो इसके बारे में देखना है। तो फर्स्ट वन है कोला। वो जो एनिमल है उनका एवरेज स्लीप टाइम 22 आवर्स होता है। कितने आवर्स? 22 आवर्स होता है। किसका? कोला का। यह जो कोला है, यह कोला ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक वृक्षी पर रहने वाला और शाकाहारी एक पशु है। डू यू अंडरस्टैंड? और यह जो है, यह पूर्वी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती क्षेत्र रहते हैं उसमें, वहाँ पे मिलता है। कौन मिलता है? ये कोला मिलता है। लेकिन ऐसा भी अंदरूनी इलाका जो रहता है वहाँ पर अधिक शुल्क नहीं है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्तृत वो शुल्क है, बट वहाँ पे वो जो है कोला जो है वो वहाँ पे मिलने वाला क्या है, एक पशु है। और औसत नींद का समय उनका एवरेज स्लीप टाइम जो है वो 22 आवर्स का है। डू यू अंडरस्टैंड? सेकेंड वन है एवरेज स्लीप टाइम 19.9 आवर्स। उसका जो नींद का समय है वो 19.9 आवर्स है। और उसका नाम क्या है? देखो उसका नाम क्या है? ब्राउन बैट। क्या है? ब्राउन
बैट, वो अंग्रेजी से उसको जो अनुवाद किया गया है वो क्रोटेंट, एक छोटा भूरा और मायोटिस उत्तर अमेरिके में पाए जाने वाला ये क्या है, एक पशु है, और माउस ईयर और माइक्रोबैट की एक प्रजाति है, वो माइक्रोबैट की एक प्रजाति है। इसमें छोटे शरीर का आकार है उसका और एक चमकदार भूरा फर होता है उसके अंग, उसके शरीर के ऊपर जो है एक चमकदार भूरा फर जो होता है, बाल जो रहते हैं वो होते हैं। यह कोई अन्य माउस कान वाले चमगादड़ वो समान है जिसमें इंडियन बल्ले जो रहते हैं, उत्तर लंबे का कान वाले जो बल्ले और एरुजिन माइट्रोस उसमें शामिल होते हैं। इनसे वह निकटता है, क्या करता है, निकटता है। और उसके जो औसत नींद का समय जो है 99.9 है। डू यू अंडरस्टैंड। उसके बाद थर्ड वन है एवरेज स्लीप टाइम 18.1 आवर्स का है जेंट आर्मोडिलो का। डू यू अंडरस्टैंड। जेंट आर्मोडिलो जो है उसका सोने का जो टाइम है, नींद का समय जो है 18.1 आवर्स का है, और वह एक आर्मोडिलो जो है एक बोलचाल की भाषा में टेटोरी, अकोरी और टंटू कैंस्टू या टाकू कार्तू ऐसे मार्डोला की एक सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। डू यू अंडरस्टैंड। उसके नेम्स क्या है, अकोरा, टर्टोरा, टूटू कंस्ट्रू या टाकू कार्ता। यह जो है यह सबसे बड़ी एक जीवित प्रजाति है। यह प्रजाति जो है जेंट आर्मोडिलो जो है दक्षिणी अमेरिके में रहने वाला वह एक पशु है, और उत्तरी अर्जेंटीना के रूप में वो पूरी दक्षिण में वो रहने वाली एक प्रजाति है। डू यू अंडरस्टैंड। उसके बाद है, आपको समझ में आया ये। फोर्थ वन है उसका जो एवरेज है, एवरेज स्लीप टाइम 18 आवर्स का एवरेज स्लीप टाइम जो है, नींद का जो समय है, औसत नींद का समय वो नॉर्थ अमेरिका ओपसम यह जो है वर्जनीय ओपसम जिसे आमतौर पर उत्तरी अमेरिका ओपसोम के रूप में माना जाता है और जाना जाता है। मैक्सिको के उत्तर में पाई जाने वाली एकमात्र मार्सुपियल है। कौन है ये मार्सुपियल है? संयुक्त राज्य अमेरिका में जानवर को आमतौर पर केवल एक कब्जे के रूप में संदर्भित किया जाता है। किसको? नॉर्थ अमेरिका ओपसम को। यह घरेलू बिल्ली के आकार के बारे में एक एकांत और निश्चार जानवर है। डू यू अंडरस्टैंड। घरेलू जो बिल्ली रहती है, कैट जो रहती है, वैसे ही एक उसके आकार के जैसे ही एक जानवर है। यह एक सफल अवसरवादी भी है। डू यू अंडरस्टैंड। उसका नाम क्या है? नॉर्थ अमेरिका ओपसम। डू यू अंडरस्टैंड। फिफ्थ वन, देखो फिफ्थ वन क्या है, पाइथन।
आवरेज स्लीप टाइम 18 आवर्स, ये भी 18 आवर्स, औसत नींद का जो समय है उसका 18 आवर्स का है। और यह जो है पाइथन, यह एक अजगर है, उसको क्या कहते हैं, पाइथन उसको अजगर कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? पाइथन पूर्वी गोलार्ध के उष्ण कटिबंध और उप प्रकार के मूल निवासी पाइथन नोडेई परिवार में से एक है। परिवार में से वो सांपों के पालने का एक समूह है। डू यू अंडरस्टैंड? जो सांप जो रहते हैं वो जो पालने का एक समूह है। पाइथन मतलब अजगर। यह एक उष्ण कटिबंध में रहने वाला क्या है, एक एनिमल है। डू यू अंडरस्टैंड? और पाइथन नाम का प्रस्ताव 183 में फ्राकुई मैरी डुडेन ने गैर विशेष मक्खियों में से एक सांपों के लिए किया था, एक सांपों के लिए किया था। और वह वर्तमान में 10 अजगर जो है, 10 पाइथन जो है, वह प्रजातियों के वैध करके उसको रूप में मान्यता प्राप्त किया गया है। किसको? पाइथन को। डू यू अंडरस्टैंड? उसके बाद है सिक्स्थ वन, देखो, नाइट मंकी। नाइट मंकी औसत नींद का समय उसका 17 आवर्स है। एवरेज स्लीप टाइम 17 आवर्स, औसत नींद का समय उसका 17 आवर्स का है, नाइट मंकी का। डू यू अंडरस्टैंड? नाइट मंकी मतलब रात के बंदर, जो रात के बंदर होते हैं जिन्हें उल्लू बंदर, या उसको और एक नाम है, उसका नाम डौरू कोलिस के रूप में भी उसको जाना जाता है। उल्लू के बंदर से भी और डौरू कोलिस के रूप में भी उसको जाना जाता है। नई दुनिया के जो बंदर रहते हैं उसके एक सदस्य है। क्या है वो? नई दुनिया के जो बंदर है उसमें उसके जो एक सदस्य है। और एकमात्र निश्चर बंदर वे वो पनामा के एक निवासी भी है। वो पनामा में रहने वाला, प्रॉपर पनामा में रहने वाला वो क्या है, एक रात का बंदर, नाइट मंकी जो है वो पनामा में रहने वाला मूल निवासी है। डू यू अंडरस्टैंड? और वो उष्ण कटिबंधीय दक्षिण अमेरिके में रहने वाला वह एक क्या है, एनिमल है। डू यू अंडरस्टैंड? और नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन जो है टाइगर। देखो टाइगर क्या है, टाइगर मतलब बाघ। जो टाइगर है उसका औसत नींद का समय जो है वो 15.8 आवर्स। उसका नींद का समय क्या है, 15.8 आवर्स। वाघ जो है वह जंगल में रहने वाला एक मांसाहारी स्तनपायी पशु है। वाघ जो है वो एक मांसाहारी और जंगल में रहने वाला यह एक स्तनपायी पशु है। यह अपनी प्रजाति में से वो सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। डू यू अंडरस्टैंड? वो बहुत शक्तिशाली पशु है, बहुत वो ताकतदार पशु है। यह तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबा
ध्रुव समूह को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में पाए जाता है क्या? टाइगर, डू यू अंडरस्टैंड? अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में यह टाइगर पाया जाता है। यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया इसमें अधिक संख्या में पाया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? इसमें अधिक संख्या में, इससे ज्यादा जो ये है इसमें पाए जाने वाला क्या है? वो टाइगर है। डू यू अंडरस्टैंड? औसत नींद का समय उसका 15.8 आवर्स है। उसके बाद जो है एट वन देखो, एवरेज स्लीप टाइम 15.8 आवर्स, एवरेज स्लीप टाइम 15.8 आवर्स। वो ट्री श्रो, क्या है उसका नाम? ट्री श्रो। और उसके बाद यह जो है यह ट्रेशो दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंध जंगलों के मूल निवासी कौन है? ट्री सर्वर है। और उसके बाद छोटा भी एक स्तनधारी एनिमल्स है, छोटा एक बहुत सबसे स्मॉल स्मॉल जो है वो स्तनधारी एनिमल्स है। वे पूरे आदेश क्रेडेंटिया का निर्माण करते हैं, क्रेडेंटिया का निर्माण करते हैं जो दो परिवार में विभाजित हो जाता है। कितने परिवार में? टू फैमिली में वो क्या होता है? विभाजित हो जाता है, इधर भी रहता है उधर भी रहता है। उसके बाद टूपाइड और पिलिलोसाइज जो है यह उसको माना जाता है। डू यू अंडरस्टैंड एट वन? उसके बाद जो है नाइन्थ वन, ये नाइन्थ वन जो है स्पिरल, स्पिरल मतलब क्या होता है देखो, गिलहरी। स्पिरल मतलब गिलहरी। गिलहरी एक ऐसा एनिमल है, यह छोटे व मध्यम आकार से कृंतक प्राणियों की विशाल परिवार की एक सदस्य है, विशाल परिवार में से एक सदस्य है जिन्हें स्क्विरुड कहा जाता है, उसको जिन्हें स्क्विरुडेट कहा जाता है। इस परिवार में वृक्षारोही गिलहरियां, भू गिलहरियां, चिंपूक, मार्मट इत्यादि, उड़ान गिलहरी और प्रेयरी क्षण भी उसमें शामिल हो जाता है। गिलहरी छोटा व मध्यम आकार का एक कृदंत प्राणी की विशाल परिवार में से एक सदस्य है जिन्हें स्क्विरेट कहा जाता है। इस परिवार में वृक्षरोही गिलहरियां, भू गिलहरियां, चिंपकू, मार्मट, उड़ान गिलहरी इत्यादि। डू यू अंडरस्टैंड? और इसका जो सोने का लंबा समय जो है वो नींद का जो समय है ये एवरेज स्लीपिंग टाइम 14 to 9 hours, 14 to 9 hours वो क्या कर सकता है? नींद ले सकता है। डू यू अंडरस्टैंड?
अब हमें इस लेसन में से यह जानना है कि कौन से एनिमल्स जो है वह एनिमल्स का जो ये रहता है सोने का समय जो रहता है कितने घंटे का रहता है, इस लेसन में से आज हमें देखा है। और आपको आवरेज स्लीप टाइम देखो, आवरेज स्लीप टाइम 22 आवर्स कोला, 22 आवर्स का जो नींद का समय है वो कोला का है। आवरेज स्लीप टाइम 19.9 आवर्स ब्राउन बाल का है। उसके बाद आवरेज स्लीप टाइम 18.1 आवर्स जेंट अर्मोडिला का है। उसके बाद आवरेज स्लीप टाइम 18 आवर्स नॉर्थ अमेरिका ओपोजुम। आवरेज स्लीप टाइम 18 आवर्स, जो औसत नींद का समय जो है वो कितने टाइम का है, 18 आवर्स का है। पाइथन का है वो। आवरेज स्लीप टाइम 17 आवर्स नाइट मंकी। नाइट मंकी का सोने का जो टाइम है कितने, नींद का समय जो है उसका 17 आवर्स का है। आवरेज स्लीप टाइम 15.8 आवर्स, 15.8 आवर्स कौन जो सबसे लंबे समय तक सोते हुए जो पशु है वो, नींद का जो समय है उसका वो 9.8 आवर्स टाइगर। आवरेज स्लीप टाइम 15.8 आवर्स ट्री शो, यह जो है इसका नींद का समय औसत, इसका नींद का समय जो है वो 15.88 आवर्स है। उसके बाद नेक्स्ट वन, नाइन्थ वन, आवरेज स्लीप टाइम 14.9 स्पिरल। डू यू अंडरस्टैंड? यह लेसन आपको समझ में आया तो आपको उसके सामने मैच द पेयर्स बोलकर क्वेश्चन लिखना है। क्या लिखना है? मैच द पेयर्स। तो आपको उसके सामने आवरेज स्लीप टाइम 22 आवर्स, उसके सामने एरो कर कर कोला लिखना है। आवरेज स्लीप टाइम 19.9 आवर्स, उसके सामने एरो करना है, ब्राउन बेल लिखना है। उसके बाद आवरेज स्लीप टाइम 18.1 आवर्स जेंट अर्मुंडेला लिखना है। आवरेज स्लीप टाइम 18 आवर्स, तो उसके सामने लिखना है नॉर्थ अमेरिका। डू यू अंडरस्टैंड? आपको वो मैच द पेयर्स जो है आपको आपके बुक में लिखना है। और यह जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में भी उसमें बॉक्स दिया गया है, वो बॉक्स में भी आपका आप नाम, खुद नाम लिखना है। और HW के बुक में भी आपको अभी हम मैच द पेयर्स बोलकर बोले थे वही आपके बुक में लिखना है। डू यू अंडरस्टैंड? थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट है तो हमें कॉल कर कर आपको पूछना है।